जय माँ मठियाणा दगड़ियों। सबसे पहले आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। आशा कर दूंगी आप सभी ठीक ही होला, मस्त होला, स्वस्थ होला और अपना परिवार का साथ व्यस्त होला। हमारे पहाड़ का सुंदर नज़ारा इसलिए साफ नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और साथ ही साथ हमारे पहाड़ों में भी देखिए दोस्तों कैसे प्रदूषण का हाहाकार मचा हुआ है। आसमान कहीं काला है तो कहीं नीला है और आजकल ऐसे ही हो रहा है हमारे पहाड़ों में, बिन मौसम बरसात आ रही है दोस्तों। दगड़ियों या हम आप लोग देख सकते हैं जो ये जाती छह महीने ने ये फूल भी हल्का हल्का खिले हैं ना, ये फूल बिल्कुल सफ़ेद होना ने वाइट वाइट ये पर छह महीने वास्तव। लेकिन आप तो पता चल कि आजकल हमारे पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा बांदर छे तो यहाँ जैसे यहाँ पर मेरी दादी ने चम ढको इसकी तरह की बांदर न जोन, लेकिन बांदर तो वही तब वो तो बाबू तुम धोती बांधो खुशी बांधी। देखो दोस्तों मेरी दादी ने एकदम टाइट किया हुआ है कि ताकि इसके अंदर बांदर न जाए बंदर न जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो जाति छह महीने होती है वो किस प्रकार की होती है, खासकर हमारे पहाड़ियों को तो पता है लेकिन बाहर ये देखिए दोस्तों ये हमारी जाति छेमी और इस प्रकार से होती हैं जाति छेमी। पंखोड़े भी लग चुके हैं हल्के हल्के। दोस्तों मैं अभी अपने प्यारे से आंगन में हूँ, ये देखिए हमारा प्यारा सा आंगन और अभी तक मैंने यहाँ पर सफाई की है तो अब चलती हूँ रसोई घर में। ये रहा हमारा छोटा सा रसोई घर और मेरी मम्मी बुला रही है चाय पीने के लिए। ये रही हमारी छोटी सी रसोई घर, यहाँ पर मैं चाय पीने आ रखी हूँ। पहाड़ी ककड़ी है देखो दोस्तों, इसीलिए मैं मम्मी बुनू छो जो फगड़ो में हूँ ना मार्चो में वह मैंने बैठी नहीं रहा काकड़ो लग लो पुता काकड़ी खाना था उन्हें। लो जी दोस्तों पी लो पहाड़ी चाय, आए हाय। तो दोस्तों पहाड़ी चाय पीने का कुछ अलग ही मजा है, पहाड़ों में चाय आए चाहे गर्म हो या चाय फिर ठंडा, और साथ ही साथ ठंडी की मौसम में जब बर्फबारी पड़ती है तो उस टाइम चाय पीने का मजा कुछ अलग ही आता है दोस्तों। यहाँ पर ऐसी बैठी हूँ जैसे पता नहीं किसने मारा होगा मुझे, देखे मैं मारा नहीं है, टेंशन में हूँ कि मम्मी जा रही है घर और मुझे कितना काम बता दिया। देखो मेरी मम्मी जा रही है कहाँ, नीचे गाँव की साइड, वो भी दुकान की साइड, और मैं रह रही हूँ यहाँ पे, गोबर भी निकालना बल ऐसा भी करना वैसा भी करना, तो सोचो दोस्तों कितना काम करूँ मैं। दगड़ियों में गगन गोसाल अम्मा अब क्या बतोड़ मैं, नहीं देखो मोल का भोरे था मोल वणिया गाणते कमने आ गण मिन मोल पर कोई बानी दगड़ियों मोल भी गाने पर कब कब आ रे पहल मोल गा दा मोल लिखे तो जना बो पिछलो खोड़े दगड़ियों मोल गाण मी है ठीक छे। दोस्तों देखिए एक खिरखंडा मिल गया है मुझे, फिलहाल तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, अगर कोई चोरी करने आए तो कैसे तोड़ेगा भाई। दगड़ियों जानो जो मैं खिरकना लिखे थे फिलहाल घर है, अरे मेरी माँ बदी कि पहले खिरकुंडू तो बिना कपड़ों का भी घर नहीं लेने की थैले पर लिखे थे जाना, लेकिन कोई बात नहीं ले ची इतना हम तो ची ये मुझे मानूंगू। दोस्तों इसने मुझे मारा आप ही चाट भी रहा है। चल मैं जान दिया और अब चलते हैं हमारे प्यारे से काला के पास। बहुत टाइम बाद आज काला से मुलाकात हो रही है, यानी कि आप लोगों की मेरी तो हर टाइम मुलाकात ही होती रहती है। भाई साहब पहले नहीं सुन तुम बाल मुंड पर रे यू वो तो भी नहीं रखो कख जंद में भाटे इनको सीधा लड़ाई करना थे बहुत ही प्यारा बच्चा है काला है ना बहुत ही प्यारा जो मैं काल और ये जमा प्यारी सी गौ माता। दगड़ियों हमारे कोई भी धोने हम तो माननी उन्हें ये तो बड़ी शांत गोच हमारी ले कहो ले बड़ी प्यारी ना बड़ा ही शांत धौन जिंदगड़ियों हमारा। फिलहाल पहले गोबर निकाल दो धौन धान तब दिखे जी अली दगड़ियों फिलहाल भी मोल कर दो मोल यार पुआ बिछड़ो खड़े दगड़ियों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जब काटे हाथ रहा ना अगर मोल गड़ा ना सख्त संत है जन हाँ तो जब हम हाथ कटियो ना तो मैं तो मोल गाड़ दू छो लेकिन आज मुलाद हाथ नहीं कटियो
और एक बात बताई थी तेरे आपते आज ना सुबह थी माने धान के ना बल के यापुरो पूगा हमारो झगड़ट था हमारो झगड़ट बोले है ना मैंने तुम लोगों तो विश्वास भी नहीं होना इन चीजें नहीं जा तेरी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा जी तुम बता तेरी नहीं पले आई फर्स्ट क्लास साथ ही जो चनी खट खट मतलब अब ही जो उड़ानी दातड़ी फिलहाल तेल को मॉल कार तुम्हें देख रहे हो मैं क्या बात है फिर भी खेजे ली देखो ना मुआल कर दो एक से बात है या छोड़ी लुका ले लड़के के देर दोन पैसा कम हो रहे नौकर करने और हम रह गए मुआल गाड़ा घास काटा देखो ना यू वाणो को और तो और हम तो लाग भी बुना का कि कर बल तुम सब्सक्राइब बड़े थे मतलब कि कर बल तुम सब्सक्राइब तुम तो फॉलो करे थे गान बल तुम मुआल एच बल तो देखो क्यूट पहाड़ ने तुराना सपोर्ट भी कर दिया तो हाथ जोड़ी थे मुआल वाला हाथ जोड़ी थे मोल तो बहुत भाग्यवान हूँ बस मतलब मोल गण वाला बहुत भाग्यवान हूँ बल वन से ना दगड़ियों तो फिलहाल मोल से मैं काट दूँ तब मिल तो आप लोग उतरे मोल गाड़ी थे बीच लो खड़ा बाटा में ठीक से दगड़ियों दगड़ियों मैं आप लोग उतरे बता दियो अभी ना दुई लोग थे यहाँ जाना मैंने उनने कुछ बातें सुन ली थी पहले तो क्या की बातें सुनी नहीं चाहिए इन्हें पर क्या करूँ जब मतलब बाटा कुछ जाना था तो मैं अचानक कहीं मतलब तो इच्छी थी ना मतलब दुई वाइफ हस्बैंड क्या पता क्या छो बना दगड़ी दगड़ी में सभी चीज़ बहुत सभी चीज़ आन पर गरीबी ना कभी ना बहुत बेकार गरीबी मैंने भी झेली झगड़ू गरीबी मेरी भी झेली गरीबी अभी भले हम गरीब ही छा लेकिन जितना पहले गरीब झेली थी उतना कभी नहीं झेले दगड़ियों वो दुई से जाना का पता क्या छो वो जो हस्बैंड जी छा वो बना का कि भले अब किकन वाल हमने सर का दिहाड़ भी खत्म हो गई भले अब कि अपा पान वाल से लोड़ किकन वाल अब हमने काम भी खत्म हुए अब किकन वाल कोकन वाला आप काम मैं तो जाए था बेकार लगे ना दगड़ कसम से मैं तो पूरा मेरा आप बचपन आती याद है इनकी सब कुछ आन है लेकिन गरीबी ना आन दगड़ू अगर इंसान अमीर हो ना अगर इंसान अमीर हो ना दगड़ो अगर वह रोग भेज हो ना वो इलाज का कि ना कर लियो लेकिन अगर गरीब ना तो गरीबी सब कुछ आन लेकिन जिंदगी में कभी गरीबी ना आन कभी ना कभी गरीबी नहीं आन दगड़ू सच बोलो माँ मठना भगवती कहते था गरीब ना बने बहुत बेकार लगी दगड़ी उजाई उजा अपने मेरा अजीब सी हुआ लगी बहुत बेकार हुआ लगी दगड़ी उजा बेटा ने कि बोला ना तब दगड़ी फिर से आएगी मैं आपको गोड़म हूँ यानी कि गौशाला वक है अरे मैं माँ बैठी फिलहाल गोड़म हूँ और आज मैं छुट्टी वेगे गोड़म बैठने की दगड़ी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दियो आप लोग सची भी नहीं सकते क्या बताऊँ मैं देखा दोस्तों मैं कमी वन में बताऊँ तुम थे दगड़ियों देख आजकल इन दिन भी गिन अभी तो उजालो चाहिए देख हमारे गाँव भी दिखाणो संगती दिखाणो चाहिए फिर भी देखा चांद दे लगी यहाँ चंदा मामा आ जा देखो दोस्तों कितना प्यारा आधा आधा चांद मस्त लग रहा है झकास लग रहा है ठोस लग रहा है पर चांद से प्यारा हमारा पहाड़ लग रहा है दोस्तों देखो आप हमने भीतर गाड़ी ने तो अभी तो भीतर गाने तैयारी कर देगा वेगे बाद और की कन कुछ ना तो देखो आज को ब्लॉग ही थी छो माफ़ी चाहता आप लोग उसी की आज को ब्लॉग ही थी जो दोस्तों छोटा ब्लॉग वे सकूँ और मतलब छोटा ब्लॉग आज हो तो माफ़ी चाहता आप लोग उसी और आज को ब्लॉग है कि मैं समाप्त कर दूँगी आप लोगों का प्यार बड़ा सपोर्ट के साथ जय माँ मठियाणा दोस्तों राजी खुशी नारायण आप भी और हम भी मिला आप लोगों से कल का ब्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों शुभरात्रि।